YouTube जो है काफी दिनों से काफी सारी अपडेट्स लेके आ रहा है, रोज ऑल्टरनेट डे पे कोई ना कोई अपडेट। इतनी ढेर सारी अपडेट अक्टूबर के महीने में दे दी जितनी कि टेक प्रोडक्ट्स ही नहीं लॉन्च होते, क्योंकि इतने प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं अक्टूबर में तो टेक्टूबर कहा जाता है। अब इसे शायद यूट्यूबर कहना चाहिए, यूट्यूबर। एनीवेज अपडेट की बात करें ना, यूट्यूब के अपडेट की बात करें तो पहला वाला अपडेट मैंने यहाँ पर लिख के रखा हुआ है, यूट्यूब शॉर्ट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी प्रमोट कर रहा है, हैवीली प्रमोट कर रहा है यूट्यूब। इस वजह से वो जो है मोनेटाइजेशन लेके आ गया हुआ है। काफ़ी टाइम से देख रहे होंगे ना यूट्यूब के शॉर्ट्स जो है वो देख रहे थे ज़्यादा यूट्यूब ऐप के अंदर, और काफ़ी एडिक्टिव भी है। अब इंस्टाग्राम भी कर रहा है, टिकटॉक भी कर रहा है, तो अब यूट्यूब को भी करना है कि भाई अटेंशन स्पैन जो है शॉर्ट हो गया है, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट लोग ज़्यादा देखते हैं, बिंज वॉचिंग करते हैं। हम भी कभी नाश्ता करने बैठे हो, खाना खाने बैठे हो, कुछ थोड़ा सा टाइम बचा हो तो हम ये प्रेफर करते हैं कि यार शॉर्ट्स ही देख लेते हैं ना, क्योंकि उसमें ज़्यादा कमिटमेंट कम है। बहुत ज़्यादा लॉन्ग फॉर्म कॉन्टेंट की कमिटमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है, जैसे यूट्यूब पर कॉन्टेंट है तो देखना है। अगर मुझे पॉडकास्ट देखनी है तो वो तो अलग ही लेवल पे, मैं अगर ट्रेडमिल कर रहा हूँ, वॉक कर रहा हूँ, तब मैं सुनने की कोशिश करता हूँ। और जो छोटा मोटा कॉन्टेंट 15 मिनट का कॉन्टेंट होता है उसमें भी थोड़ी सी कमिटमेंट चाहिए होती है, मगर आप कैजुअली जब ब्राउज़ कर रहे होते हो ना तो आपकी कमिटमेंट इतनी नहीं होती है, तो उसमें शॉर्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं। करते जाओ स्क्रॉल, कुछ अच्छा लगा तो उसे आप सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो इस तरह से। तो यूट्यूब चाह रहा है कि यूट्यूब को भी पाई मिले, पीस, शेयर ऑफ इट्स पीस। इसी वजह से YouTube अब इसमें मोनेटाइजेशन लाएगा। YouTube का तो मोनेटाइजेशन गेम पहले से ही सब भी प्लेटफॉर्म से ज़्यादा अच्छा है। YouTube पे एड्स चलते हैं, Google तो ऐड कंपनी है ही, तो अपना YouTube का ऐड का गेम बहुत अच्छा है। इसीलिए वो ये गेम YouTube शॉर्ट्स में भी इंट्रोड्यूस कर रही है, जिसमें इसको एज मिलेगा। अब इसी वजह से जितने भी क्रिएटर्स हैं जो शॉर्ट्स बना रहे हैं उनको ऑप्शन मिलेगा कि वो मोनेटाइज कर पाएंगे। अगर वो 10 मिलियन व्यूज़ ले आते हैं पिछले 90 दिनों के अंदर, 90 डेज़ के अंदर अगर 10 मिलियन व्यूज़ हैं तो एलिजिबल हो जाएंगे वो मोनेटाइज करने के लिए। ऑब्वियसली 1000 सब्सक्राइबर का थ्रेशोल्ड अभी भी है कि 1000 थ्रेशोल्ड करना पड़ेगा, 1000 सब्सक्राइबर करने पड़ेंगे चैनल पे। उसके बाद अगर 10 मिलियन लेके आते हैं तो आप जो है शॉर्ट्स जो है उसको मोनेटाइज कर सकते हैं। नॉर्मल बाकी लॉन्ग फॉर्म कंटेंट के लिए 4000 घंटे का अभी भी जो थ्रेशोल्ड है वो रखा गया है। तो ये नए क्रिएटर्स के लिए अच्छा है जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाते हैं, क्योंकि बहुत से क्रिएटर्स जो है वो कंफर्टेबल है, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में कमिटमेंट भी नहीं है। क्रिएटर के लिए भी कोई ज़्यादा कमिटमेंट नहीं है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन से बनाया जा सकता है और मोबाइल फ़ोन से ही अपलोड किया जा सकता है, और उसमें कोई ज़्यादा हैवी एडिटिंग वगैरह की जरूरत, प्रोडक्शन क्वालिटी की जरूरत नहीं होती है। लोग ऐसे बिंज वॉच कर रहे होते हैं। तो जैसे क्रिएटर्स जो है वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, टिकटॉक पे हैं, उनको एक थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा कि ये भाई हम चलो मोनेटाइज भी कर सकते हैं अपने इस कंटेंट को। इंस्टाग्राम में वैसे कोई खास मोनेटाइजेशन ऑप्शन अभी है नहीं, अगर आपका कोई प्रोडक्ट नहीं है तो ऐसा इसमें कोई है नहीं ना, एडवर्ड चलती नहीं है, तो इंस्टाग्राम थोड़ा पीछे इस मामले में हो जाएगा। इसके मोनेटाइजेशन के अलावा भी सुपर चैट्स वगैरह का भी ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा क्रिएटर फंड्स भी रहेगा, जो पैसे हैं यूट्यूब के पास है तो बहुत, तो थोड़े से पैसे वो साइड रख देगा कि क्रिएटर्स को मोटिवेट करने के लिए। उनके व्यू पे डिपेंड करेगा कि उनकी एंगेजमेंट कितनी है शॉर्ट्स पे, उसके हिसाब से हर क्रिएटर को जितना जितना उसका बनता है उतना पैसा दे देगा। इसके लिए उसने सेट असाइड करके क्रिएटर्स फंड करके बना के रखेगा, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। इंस्टाग्राम के पास भी ऐसा क्रिएटर्स फंड है, लेकिन जो सबसे गेम चेंजिंग हो सकता है वो होगा जो एड्स आ रही है, मोनेटाइजेशन जो ऑप्शन अवेलेबल होगा, जिसमें रेवेन्यू शेयर जो होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा। जैसे नॉर्मल के लिए 45% जो है YouTube चार्ज करता है और 55% जो है क्रिएटर को देता है लॉन्ग फॉर्म कंटेंट के लिए। इसमें उल्टा है, 45% जो है क्रिएटर को, 55% जो है वो Google रखेगा, जिसमें अपना वो टेक सपोर्ट करेगा, उसमें टेक जो बिल्ड करना है, प्रमोशन करनी है, या फिर जो म्यूज़िक जो है म्यूज़िक लाइसेंसिंग की फीस जो है वो पे होगी। क्योंकि अब इसे Instagram से कम्पीट करना है तो Instagram में तो आप कोई भी जो है सॉन्ग वगैरह लगा सकते हो, तो आप YouTube पे अगर कोई सॉन्ग लगा सकते हो तो उसकी जो फीस होगी, रॉयल्टी फीस वगैरह होगी, जो म्यूजिशियन को मिलेगी, जो म्यूजिक जिसने बनाया है उसको मिलेगी, तो उसका ख्याल रखने के लिए थोड़ी सी परसेंटेज ज़्यादा ले रहा है YouTube, 55%, जो कि ठीक है। अगर आप कोई भी म्यूज़िक यूज़ कर सकते हो और अपना जो है शॉर्ट फॉर्म कॉन्टेंट में अपने पसंदीदा म्यूज़िक इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप कर पाओगे और अपना मोनेटाइज भी कर पाओगे, तो ये गेम तो सही है। लेकिन इसके अलावा इसने लॉन्ग फॉर्म कॉन्टेंट जो बनाते हैं उनका भी काफ़ी ध्यान रखा है, क्योंकि भाई ये है जब गेम चल रही है और यूट्यूब पिछाड़ना चाहता है अपने इंस्टाग्रामर्स को और टिकटॉकर्स को, तो वो प्रमोट कर रहा है और सभी अपने यूट्यूबर्स को बोल रहा है जो क्रिएट करते हैं लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, कि आप ये छोटा वाला कंटेंट बनाओ उसी में से बना लो। तो बड़े फीचर्स भी उसने दे रखे हुए हैं कि यूट्यूब के बड़े वाले फॉर्म कॉन्टेंट में आप कोई भी छोटा बिट, 60 सेकंड का बिट, जो भी इंटरेस्टिंग बिट है, उसको कन्वर्ट कर सकते हो शॉर्ट में। उसने ऐप के अंदर ही एक ऑप्शन दे रखा है, आपकी किसी भी वीडियो को आप खोल के देख लोगे, अगर आप अपनी वीडियो को आप YouTube ऐप के अंदर खोल के देखते हो तो उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप वहाँ से क्रिएट कर सकते हो।
और बहुत से लोग क्रिएट भी कर रहे हैं और बहुत से लोगों को फायदा भी हो रहा है कि यार जब यही चल रहा है, बहुत से लोगों को अच्छा नहीं लगता है कि यार हम शॉर्ट फॉर्म कंटेंट नहीं बनाएंगे, हमारा लॉन्ग फॉर्म कंटेंट है, लेकिन जो ये सोचेंगे वो हमेशा पीछे जाएंगे क्योंकि वक्त के साथ आगे बढ़ना चाहिए सबको। तो जो जो वक्त के साथ बढ़ रहा है उसको अच्छा फायदा भी मिल रहा है, क्योंकि यूट्यूब ऑब्वियसली प्रमोट कर रहा है शॉर्ट फॉर्म कॉन्टेंट को, तो इसलिए जो है शॉर्ट फॉर्म कॉन्टेंट के साथ जो लगा हुआ है वो आगे बढ़ रहा है। और बहुत से लोगों की डिमांड ये भी थी कि यार ये शॉर्ट फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म जो है बड़ा मिक्स एंड मैच हो जाता है, जब हम देखते हैं तो अच्छे स्क्वायर्ड बॉक्सेस, रेक्टेंगुलर बॉक्सेस दिखते हैं, उसके बाद फिर एक वर्टिकल बॉक्स दिखता है। तो अब उसकी थोड़ी सी परेशानी अलग कर दी गई है, दूर कर दी गई है कि शॉर्ट और लॉन्ग जो है दोनों को सेपरेट टैब में रख दिया है। तो जब आप डेस्कटॉप पे देखते हो तो डेस्कटॉप पे आपको अलग टैब मिल जाएगी, वीडियोस लॉन्ग फॉर्म वीडियोस की अलग टैब है और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की यूट्यूब शॉर्ट्स की अलग जो है टैब है। ऐप के अंदर भी सॉर्टिंग ऑप्शन अवेलेबल है कि आप एक ही बारी में सॉर्ट करके आप अपने शॉर्ट्स देख सकते हो या फिर अपना लॉन्ग फॉर्म कंटेंट दे सकते हो। और इसके अलावा उसमें सॉर्टिंग ऑप्शन भी है कि आप पॉपुलर वाली चीज़ देखना चाहते हो या रिसेंट वाले अपने शॉर्ट्स देखना चाहते हो या फिर लॉन्ग फॉर्म कंटेंट देखना चाहते हो। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ हुई है यहाँ पर। इसके अलावा यूट्यूब ने अक्टूबर में जो है रोल आउट किया है एक डिज़ाइन लिफ्ट, अपनी जो वेबसाइट का थोड़ा सा लुक एंड फील थोड़ा सा चेंज किया है काफ़ी टाइम के बाद, जिसमें से उसने क्या किया है, जो रेड बटन था सब्सक्राइब का, अब वो बटन जो है ब्लैक एंड वाइट हो गया है, मतलब ब्लैक डार्क मोड पे वाइट दिखेगा और जब नॉर्मल डे मोड या जब वाइट रहता है यूट्यूब का यूआई पूरा, तब वो सब्सक्राइब का बटन जो है वो ब्लैक हो जाएगा, रेड वाला चला गया और थोड़ा सा राउंडेड हो गया है। इसके अलावा थंबनेल्स भी सारे राउंडेड हुए हैं। अगर आप डेस्कटॉप पे देखते हैं वेबसाइट पे जाके तो आपको थंबनेल्स जो है अब वो राउंडेड रेक्टेंगल्स हैं, पूरे एकदम रेक्टेंगल्स नहीं है जिसमें एजी कॉर्नर्स हैं, अब थोड़े से राउंडेड हैं, थोड़ा सा अच्छा फील देते हैं और ये ऐप के अंदर भी आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा थोड़ा सा यूआई चेंज हुआ है प्लेयर का भी, जो यूट्यूब जो वीडियो प्लेयर होता है उसका भी थोड़ा सा चेंज हुआ है कि थोड़ा सा ग्लासी लुक आया है। जितना भी जो भी कंटेंट अगर यूट्यूब के विंडो में चल रहा होता है, यूट्यूब वीडियो के विंडो में चल रहा होता है, उसमें जो कलर जो ज़्यादा डोमिनेंट कलर होगा वही थोड़ा सा प्लेयर के बाहर भी थोड़ा सा दिखेगा। पहले अभी जो है वो ब्लैक दिखा करता था, पूरा ब्लैक दिखा करता था, अब थोड़ा सा उसका ग्लासी फील आएगा, ग्रेडियंट उसका बन जाएगा, तो वो भी देखने में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अभी सभी को रोल आउट भी हो गया है तो अब अपने ऐप के अंदर भी देख सकते हो, अगर मैनुअली अपडेट करना पड़ रहा है तो आप जाके अपडेट करके देख लो तो अभी दिख जाएगा, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा लग रहा है अभी। और एक छोटा सा और छोटी सी इंप्रूवमेंट करी हुई है कि यूट्यूब के लिंक जो होंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो सिर्फ लिंक नहीं रहेंगे, अब वो कन्वर्ट हो जाएंगे टाइटल में, बटन में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे वेबसाइट्स वगैरह पे जब आप लिंक किसी को करते हो तो उसमें कीवर्ड को हाइपरलिंक किया जाता है, तो वहाँ पे उसका टाइटल आ जाएगा वीडियो का, जो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा उसका टाइटल आ जाएगा इंस्टेड ऑफ द लिंक, तो लोगों को आसानी हो जाएगी देखने में कि ये किस चीज़ की वीडियो है, तो वो क्लिक करेंगे वरना वो नहीं करेंगे। और एक और अपडेट है जो कि बहुत अच्छी अपडेट है हेल्थ केयर वगैरह के बारे में। अब तो गूगल पे लोग सर्च करते हैं और यूट्यूब पे लोग सर्च करते हैं अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम, अगर खुजली हो रही है या कुछ हो रहा है, कुछ भी हेल्थ रिलेटेड कोई इशू होता है तो लोग पहले यूट्यूब पे सर्च करके देख लेते हैं, उसके बारे में रिसर्च करना चाहते हैं। तो आपको दुनिया भर की उल्टी फुल्टी जितनी भी वीडियोस दिखती हैं जो अनरिलेटेड होती हैं और कोई भी उठा के बना सकता है, यूट्यूब का तो यही है, और अगर उनको पता चल गया कि मेरी एक चल रही है तो उसी से वो बनाते जाते हैं थोड़े से वेरिएशंस करके, तो इस पे यूट्यूब ने थोड़ी सी रोक लगाई है कि जितने भी लाइसेंस्ड हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट होंगे जो वीडियोस बना रहे हैं, जो एक्चुअल अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, अगर उनका कुछ वॉच टाइम हो जाता है, जैसे 2000 तक का वॉच टाइम उनका हो गया है, तो उनका जो है वीडियो ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा रिजल्ट्स के अंदर। कोई भी अगर सर्च करता है कि हेडेक में क्या हो रहा है या मेरे, तो जो भी लाइसेंस्ड प्रोफेशनल है उसने वीडियो बनाया है तो उसका टॉप पे दिखेगा, जो कि सभी के लिए अच्छा है। नॉर्मल व्यूअर्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है कि उनको उल्टी सीधी वीडियो देखने को नहीं मिलेगी, उनको वही वीडियो देखने को मिलेगी जो उनके मतलब की होगी, जो एक्चुअली एक प्रोफेशनल के थ्रू वीडियो बनाई गई है जिसमें अच्छी इन्फॉर्मेशन है, तो ये एक अच्छा जो है हम सभी लोगों के लिए है। इसके अलावा एक और अपडेट आई थी, मेरे ख्याल से ये लास्ट अपडेट है जो मैंने नोट करके रखी हुई है, इसके अलावा भी दो तीन और अपडेट होगी मगर ये एक थोड़ी सी मेजर अपडेट है कि हैंडल्स जो है इंट्रोड्यूस कर दिए गए। हैंडल्स कुछ नहीं है, कस्टम यूआरएल होता था YouTube पे, कुछ सर्टेन सब्सक्राइबर्स 100 सब्सक्राइबर जब पार हो जाते हैं तो YouTube क्रिएटर्स को बोलता है कि अब आप जो है यूनिक URLs बना सकते हो। तो जैसे अगर मेरा ये चैनल है स्टोरीज बाय आसिफ, तो अगर मेरा वो यूनिक URL होता, जो कि नहीं था क्योंकि इससे पहले किसी कुछ और नाम था चैनल का, तो वो जो है URL अगर किसी ने रजिस्टर किया होगा, उनका नाम ही मोस्टली होता है, तो हैंडल उसके लिए रिजर्व होगा। तो इसी तरह से यूट्यूबर्स जितने भी हैं उन लोग को ऑप्शन मिल रहा है कि आप अपना हैंडल्स चूज़ कर लो,
मोस्ट केसेस में वही है जो आपका कस्टम यूआरएल है या फिर आपका जो चैनल का नाम है वही आपका हैंडल हो जाएगा, वरना अगर आप थोड़ा बहुत चेंज वगैरह करना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। ये इसलिए है क्योंकि अब थोड़ी सी गेम जो है वो थोड़ी सी चेंज हो रही है ना, लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ करते हैं कोलैबोरेट, तो ऐट द रेट लगा के टाइटल में लिखना होता है, शॉर्ट्स में भी अगर मेंशन करना होगा तो अब ऐड लगा के कर लोगे। इंस्टाग्राम और टिकटॉक में ऑलरेडी अवेलेबल है कि अकाउंट्स को मेंशन किया जा सकता है उनके यूज़र नेम को टैग करके ऐड लगा कर, तो अभी यूट्यूब में ऐसा कुछ था नहीं ऑप्शन, तो हैंडल्स के थ्रू अब वो कस्टम यूआरएल्स जो है वो हैंडल्स बन जाएंगे, तो लोग ऐड करके मेंशन कर पाएंगे कोलैबोरेट कर रहे हैं या फिर दूसरे को चैलेंज दे रहे हैं। तो इस तरह की इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो एक थोड़ा सा और ओपन कम्युनिटी बेस्ड ओपन कर दिया गया है कि ईजियर टू कम्युनिकेट हो जाएगा, इस वजह से हैंडल्स वगैरह लेकर आए हुए हैं यूट्यूब वाले। और ये थी 9th अपडेट जो मैंने नोट करके रखी हुई थी। तो ये 9 अपडेट, मेरे ख्याल से एक दो और अपडेट होगी पर मोस्टली 9 अपडेट्स थी 31 दिन के महीने अक्टूबर में, 9 अपडेट्स। तो कितनी अपडेट्स थी, तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग वन वीडियो फॉर एवरी अदर टॉपिक और एवरी अदर अपडेट, मैं वेट कर रहा था कि 1 नवंबर आएगी तो मैं पूरे अक्टूबर का अपडेट जो है एक वीडियो में डाल दूंगा। तो बस यही था इस वीडियो में, अगली वीडियो का इंतज़ार करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए ताकि अगली वीडियो आप मिस ना कर पाएँ।